यहाँ उपस्थित हमारे बीच में हमारे गुरु रविदास या धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, श्री सुखदेव बागमरे जी महाराज, महाराज जी सतपाल जी भी मौजूद हैं, और यहाँ उपस्थित मेरे बहुत सा अतर सिंह भाव जी भी मौजूद हैं, और यहाँ उपस्थित बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संरक्षण में हमने काफी संघर्ष किया है। सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 641वें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज जी ने बताया मुझे लेट हो गया आपके बीच में आने के लिए, अतुल भाई लेट हो गया आपके बीच में आने के लिए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरी तबीयत खराब थी लेकिन मुझे यहाँ आना था कार्यक्रम में जरूर। आज आप लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं हमारे सतगुरु रविदास जी के जन्म उत्सव पे, और हमारा सौभाग्य है हमारे बीच में सुखदेव जी महाराज, सतपाल जी महाराज यहाँ मौजूद है, इनके सानिध्य में आप लोगों ने इनके प्रवचन जरूर सुने होंगे, आप लोगों ने इनकी वाणी से वो बात जरूर सुनी होगी जिसे आज हमें अपने अंदर बदलने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, आज बदलाव हो रहा है, आने वाले आज 28 तारीख से गुरुजी का जन्मदिन शुरू हो चुका है और आने वाले 3 और 4 तारीख तक ये जन्मदिन चलता रहेगा, और पूरे देश में पूरे दुनिया में अगर किसी संत का सबसे बड़ा जन्मदिन मनने का काम होता है, किन्हीं की जयंती बनाने का काम होता है, तो वो पूरी दुनिया में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज है, जिनका पूरी दुनिया में सबसे भव्य जन्मदिन मनाने का काम दुनिया में हमारे लोग करते हैं। मैं कल देख रहा था महाराज जी अभी गए थे इंग्लैंड में, कल हमारे भाइयों ने वहां पे बहुत बड़ी शोभा यात्रा गुरु जी की निकाली, और वो सब आज नेट पे आप लोग देख रहे होंगे। इंग्लैंड में हमारे भाइयों ने, माताओं बहनों ने, लाखों लोगों ने इकट्ठा होके गुरु रविदास जी की जयंती मनाने का काम किया, तो आपके गुरु की कीर्ति आज पूरी दुनिया में फैलाने का काम आपके लोग कर रहे हैं। आप सब लोगों से इस निवेदन के साथ